प्रधानमंत्री पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों व गांवों को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मिशन को सरकारी विभाग ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर की मुख्य सड़क के बगल में 54 सामुदायिक केंद्र पर फैली गंदगी इस ओर इशारा कर रही है। हॉस्पिटल पर फैल रही गंदगी से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन नगर पंचायत व हॉस्पिटल के अधिकारी इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहरों व गाँवों को स्वच्छ बनाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्था तरह तरह के प्रयास कर रही हैं, जिससे शहरों को साफ स्वच्छ बनाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए, लेकिन नगर पंचायत व हॉस्पिटल इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। जबकि साफ सफाई को लेकर खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन शहर की मुख्य हॉस्पिटल पर पड़ी गंदगी नगर पंचायत व हॉस्पिटल की पोल खोल रही है। दोस्तों, मैं आवाज 24/7 से कामेश्वर विश्वकर्मा, हम आए हैं 54 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। जैसा कि मोदी जी कहते हैं, स्वच्छ भारत सुंदर भारत का एक लोगो देते हैं, तो लोगों को स्वच्छता करने के लिए विवश भी करते हैं। जैसे कि सरकारी सामुदायिक केंद्र पे आप देख सकते हैं, यहाँ डिलीवरी वाला कपड़ा यहाँ फेंक दिया गया है। यहाँ पे अभी टीकाकरण किया जाता था, कोरोना काल में यहाँ टीका का लगाया जाता था। जैसे कि रूम भी दिखा सकते हैं आप, आगे आइए और दिखाते हैं गंदगी का अंबार। हॉस्पिटल का पूरा टोटल कचरा किसी वार्ड में खुलेआम फेंक दिया जाता है, उसको ना किसी गंतव्य स्थान पे फेंका जाता है। यहाँ गंदगी का आप देख सकते हैं, पूरा ये पूरा प्लेट है, इसमें पूरा गंदगी पूरा हॉस्पिटल का फेंका जाता है। यहाँ कुत्ते भी आते हैं, जानवर भी आते हैं। बगल में आप देख सकते हैं पूरा गांव, पूरा नगर के वासी हैं, इस बदबू से लोग काफ़ी पीड़ित रहते हैं। सरकार से कहूँगा ऐसे डॉक्टरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आगे बने रहिए हमारे चैनल से, मैं आगे और भी आपको दिखाता रहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सरकारी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है, ये शौचालय में ताला लॉक है, जिससे कि लोग बाहर ही गंदगी मचा रखे हैं। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, कोई स्वच्छता नहीं होती है सरकारी अस्पताल में। और भी मैं वीडियो आगे दिखाऊंगा आपको, ये और एक वीडियो दिखाते हैं आपको। जैसे ये देख सकते हैं, शौचालय है ये, इसकी दशा देखिए, दूरदर्शी है। जब सालों से ये साफ सफाई नहीं हुआ होगा, इतनी प्रधानमंत्री मोदी और योगी द्वारा योजनाओं का पैसा आता है साफ सफाई सुंदरीकरण को लेकर, लेकिन जब ये देखिए बेड है, इसी डस्ट बगल में लोग मरीज एडमिट रहते हैं, उसी रूम से होकर हम जा रहे हैं ये दूसरे शौचालय में। देखिए इसकी स्थिति वो है कि चिड़िया केवल अपना घोंसला और सोच कर रखे हैं और अंदर चलते हैं। ये